बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर उनके द्वारा निकाले जाने वाली बाबा की बारात की भव्य जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस आयोजन के जरिए समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने प्रेस मीडिया से रूबरू होकर भव्य बारात की जानकारी दी और बताया कि इस वर्ष 175 से ज्यादा झांकियां बारात में सम्मिलित हो रही है और देश के अन्य राज्यों से भी मनमोहक और ज्ञानवर्धक झांकियां शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। बारात की पूर्व संध्या पर होने वाले संगीतमय कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई गई कि इस बार संगीत संध्या के आकर्षण का केंद्र छत्तीसगढ़ी लोक गायक दिलीप षडंगी होंगे। इसके अलावा इस बारात का निमंत्रण लगभग 31,000 कार्ड बताकर दिया गया है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल सहित राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय सहित राज्य के मंत्रिमंडल एवं जिला कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी आमंत्रित किए गए हैं। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने 8 मार्च को होने वाले बाबा की बारात को लेकर इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराई है। बारात को लेके पूरी तैयारियां हो गई है। अब संगीत संध्या 4 तारीख को है और महाबारात चूंकि 8 तारीख का है तो 12 बजे हथकोच इंदिरा नगर गांव से निकलेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए पूरे खुर्ची पार का भ्रमण करते हुए रात 12 बजे माता का विवाह होना है, भगवान भोलेनाथ जी का विवाह होना है, उसको लेके एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया है और एक झांकिया भी कहाँ कहाँ किस प्रकार रहेगी और समाज के लोग, जो विभिन्न समाज के लोग जो टी स्टॉल हैं, कहीं खिचड़ी के स्टॉल, खीर के स्टॉल लगाए हैं, चाय का स्टॉल, फूल फल जूस का स्टॉल, तो एक बड़ी तैयारी के साथ कार्य प्रारंभ कर दिए। 16 सोमवार का अपना बड़ा महत्व होता है, वैसे 16वां वर्ष है, इसमें एक बड़ी तैयारी की है। भगवान भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती, माँ काली और हनुमान जी का बेहद बड़ा रूप दिखेगा और एक बड़ा झांकी जो राम दरबार आपको दिखेगा, राम परिवार पूरा दिखेगा, अयोध्या का राम मंदिर दिखेगा और बड़ा आनंदमय क्षण होगा आप लोग के। संगीत संध्या में दिलीप षडंगी जी छत्तीसगढ़ के अपने गायक और नायक हैं उनका, और चूंकि बहुत अच्छे अच्छे गाना गाए हैं, चाहे वो आमा पान के पत्री, करेला पान के दोना हो, चाहे चंदवा बैगा, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं और माता का भी बहुत ही अच्छा भगवान भोलेनाथ जी का भजन है, इसलिए उनको हमने इस बार संगीत संध्या 8 बजे 4 तारीख को दुर्गा मैदान जोन 2 में प्रारंभ होगा। विश्वास पूरा है क्योंकि देवादेव महादेव के भक्त हैं, अनुयायी हैं और सेवक हैं, तो निश्चित तौर पर हमने दिया है और निश्चित तौर पे चूँकि 8 तारीख के दिन महाशिवरात्रि भी है और 8 तारीख को महिला आयोग दिवस भी होता है और उस दिन महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लाखों लाख महिलाओं को एक क्लिक से क्या बोलते हैं सबके खाते में पैसा जाएगा, तो ऐसी अभी तक जो जानकारी मिली है कि शायद उस दिन 8 तारीख को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे में रहेंगे और चूँकि दौरे में रहेंगे तो निवेदन किया जाएगा कि भिलाई भी आए। बस शहरवासी जिस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जिस तरह से गणमान्य लोग, साधु संत लोग और पूरी टीम के लोग और शिव बाबा भोलेनाथ जी के अनन्य भक्त पे भक्त गण हैं, क्या छोटे क्या बड़े, क्या रिक्शे वाले क्या पान ठेले वाले, सब लोग जिस तरह से लग जाते हैं और जिस तरह का लग गए हैं और हमने सबको कार्ड वितरण किया है, सबको कार्ड दिया है, निमंत्रण दिया है और जिनको नहीं भी मिल पाया उन सब से भी अनुरोध किया है और निवेदन किया है कि बाबा की महाबारात का हिस्सा बने, महाभंडारे का आनंद ले और अन्य अन्य विभिन्न प्रदेश के साथ विभिन्न जिलों की झांकियां आ रही है, तो इसको सपरिवार